नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका फिल्मलोक की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं साउथ की 6 बेहतरीन एक्शन ड्रामा रोमांस क्राइम थ्रिलर पर बनी ये फिल्में। दोस्तों, आज की सभी फिल्में हिंदी में YouTube पर ही देखने को मिल जाएगी, मगर दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, इनमें से कुछ फिल्में अनऑफिशियल अवेलेबल है जो कॉपीराइट की वजह से कभी भी रिमूव हो सकती है, तो आप इन्हें जल्द से जल्द देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 6 पर आती है 2021 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन कॉमेडी रोमांस वाली फिल्म अनुभवेंचु राजा, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राज तरुण, कशिश खान और अजय के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो राजू, जिसे बंगाराम के नाम से भी जाना जाता है, भीमावरम का रहने वाला है। बचपन में एक त्रासदी झेलने के बाद वह सुख का खोजी बन जाता है, वह जीवन को पूर्ण आकार में जीने लगता है। फिल्म में एक छलांग लगती है और बड़ा हुआ बंगाराम अब शहर में एक सुरक्षा गार्ड है। हमें संदेह है कि उनकी संपन्नता ने उन्हें छोड़ दिया होगा, लेकिन बंगाराम जल्द ही सुपारी किलरों के एक समूह और उनके रिंग मास्टर से हिसाब बराबर करने वाला है। वह ऐसा क्यों करना चाहता है? सबसे पहले उन्होंने भीमावरम को क्यों छोड़ा, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 6 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.5 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 91% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 5 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन कॉमेडी वाली फिल्म साकिनी डाकिनी, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में रेजिना कैसेंड्रा और निवेथा थॉमस के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो विपरीत पृष्ठभूमि से आने वाली दामिनी और शालिनी तेलंगाना पुलिस अकादमी में पुलिस प्रशिक्षु के रूप में पहुंचती है। अपनी एक सैर के दौरान वे एक लड़की के अपहरण का गवाह बनते हैं, जो उन्हें कुछ क्षण पहले एक संभावित दुर्घटना से बचाती है। दोनों ने उसे बचाने का फैसला किया। लड़कियों के लिए चीजें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इन अपहरणों के पीछे मेडिकल क्षेत्र से जुड़े एक बड़े माफिया का हाथ है। ये अंडर ट्रेनी इस घातक स्थिति को कैसे संभालेंगे, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म अनऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 5 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 86% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 4 पर आती है 2023 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन एक्शन ड्रामा थ्रिलर वाली फिल्म कस्टडी, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में नागा चैतन्या, कृति शक्ति और अरविंद के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो कांस्टेबल शिवा एक छोटे शहर का लड़का रेवती से बहुत प्यार करता है। लड़की के माता पिता को उनका प्यार मंजूर नहीं है। एक दिन शिवा गलती से गैंगस्टर राजू और एक CBI अधिकारी जॉर्ज को गिरफ्तार कर लेता है। शिव को CBI अधिकारी के माध्यम से पता चलता है कि राजू को बेंगलुरु अदालत में पेश करने की जरूरत है, लेकिन राजू को CM और पूरी सरकार का समर्थन प्राप्त है। दृढ़ संकल्पित शिव ने राजू को अदालत में पेश करने का फैसला किया और सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। रेवती भी उसकी यात्रा में उसके साथ शामिल हो जाती है। क्या शिव अपने प्रयास में सफल हुए? सत्य की रक्षा के लिए शिव को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 4 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5.9 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 73% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर 3 पर आती है 2020 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा रोमांस वाली फिल्म सवारी, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में नंदू विजय और प्रियंका शर्मा के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो शादी के लिए अपने प्यारे घोड़े बादशाह को किराए पर देने वाले राजू का जीवन उल्टा हो जाता है, जब उसकी मुलाकात एक अमीर परिवार की लड़की बागी से होती है, जिसे सच्चे प्यार की तलाश है। जब उसके सौतेले माता पिता उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी शादी कराने की कोशिश करते हैं, तब वह अपनी शादी से भाग जाती है। और कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है, जिसकी लिंक नंबर 3 पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 5 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 66% लाइक्स मिला है।
इसके बाद नंबर दो पर आती है 2022 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म यूनिकी, और इस फिल्म को हिंदी में मैडम कलेक्टर नाम से डब किया गया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में आशीष गांधी, चित्रा शुक्ला और महेश के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो सुब्बालक्ष्मी एक निम्न मध्यम वर्गीय लड़की है जो IAS अधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत करती है। वह गोदावरी क्षेत्र में तैनात हो जाती है और समाज की मदद करना शुरू कर देती है। हर फिल्म की तरह दुष्ट लोग उसे निशाना बनाते हैं और हत्या का प्रयास भी करते हैं। वह किसी तरह इससे बच जाती है और विद्रोह की योजना बनाती है। सुब्बा लक्ष्मी अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करती है और अभी सुब्बा लक्ष्मी को उसकी यात्रा में कैसे मदद करता है, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर दो पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 4 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 37% लाइक्स मिला है। और इसके बाद नंबर एक पर आती है 2019 में रिलीज हुई तेलुगु लैंग्वेज की बेहतरीन ड्रामा पारिवारिक फिल्म थोलू बोम्मलता, और इस फिल्म की हिंदी डबिंग भी सेम नाम से की गई है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिका में राजेंद्र प्रसाद, वेनिला किशोर, विस्वंत और हर्षिता चौधरी के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे। बात की जाए अगर इस फिल्म की कहानी के बारे में तो सोडला राजू अपने गांव का एक प्रसिद्ध व्यक्ति है। राजू अपने नाती पोते ऋषि और वर्षा से वादा करता है कि वे उनके माता पिता से दोनों की शादी के लिए मंजूरी लेंगे। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सोडला राजू की अचानक मौत हो जाती है। वह एक आत्मा के रूप में वापस आता है और अपने परिवार को उसकी संपत्ति के लिए झगड़ते हुए देख कर परेशान होता है। क्या सोडला राजू अपना वादा पूरा कर पाएंगे, ये जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो यह फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल है जिसकी लिंक नंबर एक पर प्रोवाइड कर दी गई है। और इस फिल्म को IMDb की तरफ से 10 में से 6.4 की रेटिंग और गूगल यूजर तरफ से 70% लाइक्स मिला है। दोस्तों ये थी वे साउथ की 6 बेहतरीन फिल्में। उम्मीद है आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।